रवि सिंह खालसा, तेरी बहादुरी नू, तेरी जुर्रत नू, तेरी सोच नू मुसलमान दा पाकिस्तानियां दा सलाम है कि पहले पाकिस्तान दी मदद करन वास्ते आ गया, फिर उस तो बाद शुक्रिया अदा करन वास्ते आ गया। एक ते पाकिस्तान दी मदद कीती तो उतो शुक्रिया अदा करन वास्ते आ गया है। ते हुण आपां देखने कि पाकिस्तान वास्ते की चीज़, मतलब की लिया के आए है, फिर आपां गल करने। गो वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं जिहड़ा पाकिस्तान दा पहली फ्लाइट जो चली आना भी ब्रिटिश एयरवेज चली, ब्रिटिश एयरवेज बहुत बड़ी दुनिया की एयरलाइन आ जी। पिछली बार भी खास साइड का काम किया, हूँ भी कहें असं खास साइड का काम करना चाहते। देखो भाई किन्नी गुरु कृपा, बड़िया बड़िया दुनिया दी कंपनियां खास साइड न जुड़िया आ। ये जो पैलेट देखो किन्ने पैलेट इतने काफ़ा करके आ, मेरे ख्याल किन्ने पैलेट हो गए थे अमन, सोलह पैलेट आ। 14 पैलेट में तंबू आ गुड क्वालिटी के, ये दो पैलेट है जो कई शूज या ट्रेनर आ जो कई लैजर जुत्तियाँ जो होंगे क्योंकि सूँ किसी ने नवी डोनेट की ब्रिटिश एयरवेज कहते हाले असं ये फ्लाइट टोटली फ्री लैके जाऊंगे पाकिस्तान में। हूँ ये मेरे ख्याल कल परसों चल जाने पाकिस्तान में, मुड़ के फिर सूँ कहा गया जी कोई लोड़ है दस्यो, वो भी असं सोच रहे हैं। जे यूके कोई सुन रहा है तो जहाँ को न्याण के कपड़े कोई होलसेल करता कोई डोनेशन करना चाहता न्याण के नवे कपड़े जो लार्ज क्वानिटी वही क्वानिटी साढ़े ऑफिस में फोन कर लो। ऑफिस नंबर हैगा 01753567457। मुड़ के फिर कहना 01753567457। सो मेरी यही अपील है जो कोई कंपनी आ वे लैवल से लार्ज क्वानिटी बच्चों के कपड़े देने चाहती है तो असं फिर लैके जा सकते पाकिस्तान ब्रिटिश एयरवेज का। सो अज जो काम देखो इतने सारा पाकिस्तान रिलीफ जो फ्लड रिलीफ आनावादी जिन्होंने ये टेंट्स के होर जो कई शूज डोनेट किए, भाई जसविंदर सिंह कार्ड स्टोन दो पैदल शूज दिते, ग्रेव सैंड गुरु ने 50 तंबू दिते, जैत सिंह ट्रस्ट उन्होंने 12-15 दिते, तो होर भी जो कई इंडिविजुअल जो लोग जो कई संगत ऑर्डर किए ऑनलाइन से साढ़े वेयर हाउस भेज दिते। हूँ साड़ी तंबू की जी अपील बंद आ, हूँ नैक्सट अपील देखा जे कोई सानू वही क्वानिटी बच्चों के कपड़े डोनेट कर सकता वो असं भेज सकते हैं। तो असं जो सेवादार लगे वो दिन दिहाड़ी अमन पिछे लगा है, मैं अमन भी दिखा दा क्योंकि चंगा लगता भी असं करते। हाँ जी ये नहीं भाई कला मैं सारा कुछ मैं तो कुछ करता नहीं, ये सारे करते हैं इधर सेवादार सारा कुछ इन्हीं कार तैयार किया। काफ़ी जिदा भी उपरों लियाने पाए दूजी तीजी फ्लोर तो एक एक पैलेट बारी बार लिया सकती क्योंकि लिफ्ट बहुत छोटे आ इतने निकी लिफ्ट आ। सो काफ़ी मेहनत की उन्होंने, सो असी आई लाइक टू थैंक ब्रिटिश एयरवेज फॉर जेनरोसिटी, दे बीन एब्सोल्युटली इंस्ट्रूमेंटल ईवन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस टेकिंग ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेट मशीन थ्रू इंडिया एंड नाउ ब्रिटिश एयरवेज दे टेकिंग दिस। खालसा एड नू सलाम है। मैं तुहाडी संगत दा बहुत धन्यवाद, तुसीं खास नाल जुड़े हो, तुहाडे करके जो करदे कर सकदे सो तुहाडा बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का फतेह। रवि सिंह खालसा, पाकिस्तानियों का सलाम है, सलूट है इन्हों, इन दी सोच न यार ये बंदे दी, ये बंदा ना ये पता नहीं कौन है, मेरी तो समझो बार है कि जेड़ा दिन रात पाकिस्तान वास्ते कभी पैसे कट्ठे करता, एक लान करता वै तो पाकिस्तान वास्ते पैसा कट्ठा कर लेंदा, एक मूँह जबान कड़ता वै तो पाकिस्तान वास्ते बैग आ वीडियो भी देखें दे, असी वीडियो देख के मेरी अखा चो पानी आने लग पाया कि यार ये कौन है बंदा, इनू कोई अपनी जिंदगी, इनू कोई अपनी लाइफ को अपने नाल इनू कोई इंट्रस्ट नहीं है। इनू इस वास्ते कहिंदे आ कि सब तो वड्डी सेवा इंसानियत की सेवा, सरबत दा भला, मनुखता की सेवा, सब तो वड्डी सेवा मनुखता की सेवा। भाई गुरप्रीत सिंह जी की गल बिल्कुल सही गल है। पाकिस्तान के उत्ते देखो, पाकिस्तान के उत्ते मुश्किल वक्त आया, रवि सिंह खालसा फौरन पाकिस्तान वास्ते पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान दे विच भेजिया, टीम हायर की, पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान डुबिया सीगा उस वक्त, पाकिस्तान नूं पता नहीं चलन दिया कि असीं की करिए। खालसा एड वाला आया वै, सलाम है खालसा एड वाले, तैनू पाकिस्तानियों का सानू तैनू मुसलमान का सलाम है, तैनू सलूट है। अच्छा फिर मदद करके फिर उत्तों शुक्रिया अदा करन आ गया यार
ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ 4-5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀਆਂ 100 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਾਂਡਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੱਜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡਣੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਹਾਏ 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 ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਡੱਬੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਵੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਾਨ ਵਕਤ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼